खुशामदीद, एक बार फिर मैं आपकी खदमत में हाजिर हूँ। और दिन ब दिन हमारी बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं हमारा साथ नहीं छोड़ती। कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जो आखिरकार हमारी जान ले लेती हैं। रिसेंटली मैं एक जगह गई और वहाँ पर जो मैंने सुना और वीडियो भी मैंने देखी कि बंदे के जो सर में कैंसर से बहुत ज़रा क्या बोलते हैं जरासीम कीड़े हो गए, बहुत तकलीफ हुई। फिर कुछ लोग ऑफकोर्स माउथ कैंसर होता है, मुंह में ऑफकोर्स एक केमिकल, अब हम उसे कहेंगे गुटखा या कुछ बहुत ज्यादा हार्श टाइप की चीज खाते हैं जिसकी वजह से उनका माउथ कैंसर हो जाता है, वो रख के सो भी जाते हैं। फिर कैंसर आंतों का भी होता है, आंतों का यूं होता है कि अगर आपको पाइल जाए कॉन्स्टिपेशन बार बार हो रही है तो वो जरासीम पनप पनप के वो आपके कहीं ना कहीं ऑर्गन, जो आपका ऑर्गन सबसे ज्यादा जिसका इतना स्ट्रॉन्ग लेवल नहीं है, जैसे आपका हो सकता है मैदा भी डिस्टर्ब हो सकता है, आपकी हड्डियों में भी जा सकता है वो कैंसर, आपके लिवर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो फिर ये जरासीम है वो आपके कहीं ना किसी ऑर्गन को डिस्टर्ब करते हैं। आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, कुछ लोगों को ब्रेन कैंसर होता है, कुछ लोगों को गले का कैंसर होता है, कुछ लोगों का माउथ कैंसर होता है, और कितना क्योरेबल है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कीमोथेरेपी हो रही होती है, कुछ लोग डिफरेंट इलाज करवा रहे थे, इलाज की भी बहुत सारी जैसे हर्बल है, होम्योपैथिक है, एक्यूपंक्चर है और एलोपैथिक है, इन तमाम जो मैंने अभी स्पेशल होम्योपैथिक, एक्यूपंक्चर, हर्बल और एलोपैथिक सारी अगर मैं बात करूँ तो एक खास मजमुआ बन जाता है। और वो एक बल्कि एक और भी है हिकमत में तिब नबी को भी शामिल कर दूं, तो ये सारी स्पेशलिटीज एक ऐसे पर्सन में मौजूद हैं जो जद्दी पुश्ती अपनी हिकमत को लेके चल रहे हैं। बड़ी बात है कि सारी चीजों के बारे में जानते हैं, एक्यूपंक्चर को भी जानते हैं, हजामा को भी जानते हैं, तिब नबी को जानते हैं, होम्योपैथिक को जानते हैं, हर्बल के तो वो बेताज बादशाह हैं। और बात करूंगी क्योंकि यार अब पुश्तों से हिकमत को अब लेके चल रहे हैं, वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह की रहमत है, करम है। सबसे पहले मुहर्रम के हवाले से जी मैं दो अपने इशार बिल्कुल सलाम हुसैन बिल्कुल नजराना अकीदत बिल्कुल बहुजूर इमाम हुसैन पेश करता हूँ। बेशक बेशक सुनाए। जो फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, जो फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, नूर भरता है निगाहों में शबिस्ताने हुसैन, जो फगन है आलमे बाला में फरमाने हुसैन, नूर भरता है निगाहों में शबिस्ताने हुसैन, जन्नतुल फिरदौस में मस्कन अगर दरकार है, जन्नतुल फिरदौस में मस्कन अगर दरकार है, अपना ईमान कर मुकम्मल मिसले ईमाने हुसैन, अपना ईमान कर मुकम्मल मिसले ईमाने हुसैन, अपना ईमान मुकम्मल कर मिसले हुसैन। जी आज का हमारा बड़ा अहम मौजू है और ख़ास तौर पर जिन कैंसर के हवाले से जो आपने तफसीलात बताई जी जी, बड़ा इन तफसीलात का मकसद ये है कि आपको ये बता दिया जाए कि कैंसर लाइलाज नहीं है, आपकी कोताहियाँ, लापरवाहियाँ, आपके जुबान के चस्के ये आपको कैंसर तक लेके चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक। यानी अगर हम शुरू हों ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर ब्लॉकेज हो जाती है, बिल्कुल बॉडी में जहाँ कहीं भी ब्लॉकेज होती है यानी वेन्स, शरियाने, आर्टरीज आपकी ब्लॉक होती हैं और वहाँ से उस ब्लॉकेज में वजह से कई जगहों पर वो फासिद मादा टॉक्सिन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ कैंसर बनना शुरू हो जाता है। और ब्रेन ट्यूमर में भी मेरे काफ़ी केसेस ऐसे आए हैं मेरे पास जिनका ब्रेन ट्यूमर का इलाज हुआ और वो नॉर्मल हो गए। मगर नाज़िर बात यह है कि ये कैंसर होता क्यों है,
क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से ऐसा मौजी मर्ज जो है उसमें लोग लाहक हो जाते हैं। उनकी वजूहात तो कुछ तो आपने बताई कि पान, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, फिर बहुत ज़्यादा जागना, बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करना, टेंशन लेना, फिर मंशियात का इस्तेमाल, ड्रग्स का इस्तेमाल, नींदावर गोलियाँ, नींदावर अद्वियात, फिर एलोपैथिक अद्वियात के आफ्टर इफेक्ट्स, आपकी गजाई बेतदालियाँ, बाजारी जंक फूड और नाकस हिफ्जान सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार ना होने वाले गजाएँ, ऐसा माहौल जहाँ पर ताज़ा हवा या धूप न आ रही हो, ऐसा पानी जिसमें गलाजत मिली हुई हो, टॉक्सिन्स मिले हों, या मिलावटी अशिया, खाने पीने की ऐसी अशिया हैं जिसमें जहरीले मादे और केमिकल्स शामिल होते हैं, ये कैंसर की वजूहात होती हैं। आपकी सोच मुस्बत ना हो, आपकी सोच में अगर इत्तदाल ना हो, तो फिर उस सोच में जिसमें गुस्सा, टेंशन, हसद, बुग़्ज़, कीना, गीबत, तोहमते लगाने वाले लोग भी कैंसर का अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। बस तो नाज़िर बात यह है कि कैंसर की वजूहात जो हैं वो हम समझते हैं कि इसके अलावा भी कुछ वजूहात हैं कि जो मैं इस दौरान में बयान करता हूँ। मसलन आप अपने अंदर जो है खुशी के एहसासात ना पैदा करते हैं, रूहानी एहसासात की कमी, अहकाम इलाही पर तवज्जो न देना, और नमाज, रोज़ा, ज़कात और खैरात, इसमें कमी होती है। रोज़ा आपके जिस्म से वो फासिद मादों को निकाल देता है जो एक पूरे साल में आपके जिस्म के अंदर पल रहे होते हैं, पनप रहे होते हैं, और रोज़ा आपकी जिस्म की तकसीद करता है, आपके जिस्म से वो टॉक्सिन्स निकाल देता है। अल्लाह के निज़ाम में बहुत इंसानों के लिए जिस तख्लीक़कार ने आपका ये निज़ाम मुरतब किया है उसने ही इलाज भी बताया है, उसने तमाम तौर तरीक़े समझाए हैं कि ज़िंदा रहने, बावक़ार रहने, सेहतमंद रहने और अल्लाह तक रसाई रखने वाले लोग ही जो है दुनिया और आखिरत में कामयाब। बेशक बेशक बिल्कुल सही कहा। देखें कैंसर का जो मामला है, मुंह का कैंसर है, फिर आपका गले का कैंसर, थ्रोट कैंसर शुरू होता है। ये जैसे बताया हमने कि पान, सिगरेट, तंबाकू, तेज मिर्च मसाले, अचार चटनी का बेदरक इस्तेमाल और बाजारी खाने में एग्जैक्टली शराब नोशी, सिगरेट, समझे ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं गुटखा तो खास तौर पर मैं देखता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे मुख्तलिफ इलाकों में गुटखा खा रहे होते हैं। अभी कल परसों मेरे पास एक मरीज आया तो उसने बताया कि जी मैं तो 12-13 साल की उम्र से गुटखा खा रहा हूँ। अल्लाह, बेशक लोगों ने मुझे बहुत मना किया, लोगों ने मुझे कहते रहे कि कैंसर हो जाएगा, मैं किसी की बात नहीं मानता था। अच्छा। और आज उसका ये हाल है कि उसका मुंह नहीं खुल रहा, वो पानी तक नहीं पी पा रहा होता, कि पानी पीता है तो नाक से निकल रहा है पानी। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। तो ऐसी नेमते खुदावंदियों से महरूम हो जाना, अपने आप को अल्लाह की मखलूक ना समझना, और फिर ये कि आप जो कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं समझे ना, उसमें आपकी सेहत का जाविया लाजमी होना चाहिए कि जो भी आप गिज़ा खा रहे हैं सबसे पहले आप ये देखिए कि ये गिज़ा क्या आपकी बॉडी की मेडिसन है या आपकी बॉडी का पॉइजन है। ऐसे ही जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर खवातीन में बहुत हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर ट्यूमर सा बनता हुआ है कुछ। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, उसमें छोटा सा जहाँ भी गिल्टी हो या वो कोई दाना निकल आता है या दबाते हुए दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसी कैफियत हो तो फौरी तौर पर जो है आप कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि ये एक बड़ी लापरवाही नहीं, मर्ज की बड़ी खतरे की घंटी बज रही है। बिल्कुल बिल्कुल, पीप पड़ जाए, आप उसको ऐसे खुद से ही ट्रीट कर रहे हैं और अंदर वो गिटली बहुत बड़ी। सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना आइए,
हमें, मैं आपको इसका इलाज भी बताऊंगा और मैं वो प्रोडक्ट भी बताऊंगा कि जो इसके इलाज के लिए मेरे पास मौजूद है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज हमारे ऑफकोर्स स्पेशल बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, वो है हमने कैंसर टॉप टू बॉटम, इंटरनल एक्सटर्नल बोन्स, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर और माउथ का कैंसर, हलक का कैंसर, आपके फेस्टूला भी हो जाता है बहुत सारे हम लोग कब्ज की वजह से, तो ये सारे आज डिजीज जो हमारी स्पेशल ऑर्गन जो डिस्टर्ब होते हैं कैंसर से, क्या क्या इसकी जैसे इन्होंने पहले बताया कि क्या क्या रीजन, तो इन्होंने बता दी कि हमारी लापरवाही कि भाई ठीक है हो रहा है, इट्स ओके, जाने दो, ऐसा नहीं है। अब उसके बारे में बताएंगे डिटेल में, बहुत अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। आप कुछ सवाल करना चाहें, अल्लाह ना करे आपके इर्द गिर्द अगर कोई आपकी अम्मी बहन या किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप हमें कॉल करें, डॉक्टर साहब अकीम अस्करी साहब आपको उसका जवाब देंगे। जी ओवर टू यू। अच्छा, इसमें जो लीवर कैंसर, जी सर, जी सर, लीवर सोरेसिस, बिल्कुल, जिसका इलाज लाखों रुपए में, आए आए आए, सही, लोग इंडिया में जाते हैं, पाकिस्तान में भी अब इसका इलाज शुरू हो गया है, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये 80-90 लाख रुपया या 1-2 करोड़ रुपए का खर्चा गरीब आदमी नहीं कर सकता। सर कुछ लोग तो कीमोथेरेपी के बावजूद नहीं बचते, नहीं बचते, बिल्कुल नहीं बचते। फिर मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास लोग मरीज जो आते हैं, हम उनको फौरी तौर पर ऐसी अद्वियात देते हैं कि जिससे उस उनकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलना शुरू होते हैं, कैंसर के असरात ख़त्म होते हैं, कैंसर रिमूव होना शुरू हो जाता है। बाल भी झड़ते हैं, बाल भी झड़ जाते हैं कैंसर, जी जब वो उसकी कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन अच्छा। होती है, उसमें बाल झड़ जाते हैं, फिर आपके रेड सेल और वाइट सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, तो ये भी कबाहत होती है कि आप, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स का वैसे भी जिस्मानी तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, उसकी लीवर, मैदा, जिगर, गज़ा ख़त्म हो जाती है, खाना पीना ख़त्म होता है, आंतों का कैंसर होता है, फिर जैसे अभी बताया कि बवासीर के मरीज जो हैं या बहुत ज़्यादा कब्ज रहने वाले रखने मरीज जो हैं, वो उनको भी कैंसर की अलामत, क्योंकि कैसे तक जब उसका इलाज निकल जाएगा मेरे, तो कैंसर की तशखीस क्या ब्लड का कुछ खास टेस्ट है जो करवा के हम, एक नॉर्मल बंदा उसको नहीं मालूम कि मुझे कैंसर है, जैसे ही तो एकदम अचानक डायग्नोस हो जाता है ना, तो हम कैसे जाके, एक नॉर्मल इंसान है वो मालूम करना चाहते हैं, तो क्या ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा? देखिए उसमें मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं, सब हर कैंसर जो हर किस्म के कैंसर का टेस्ट मुख्तलिफ होते हैं, तो उसमें लाजमी होता है कि सबसे पहले तो आपका ये मालूम होना चाहिए कि जहाँ भी कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो फौरी तौर पर जो है मौलिज से राबता करें, वो आपको टेस्ट लिख के दे, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ, आपको ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है या आपको किसी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है और या आपकी बायोप्सी की ज़रूरत है। मैं मरीजों को सबसे पहले तो ये कहता हूँ कि बायोप्सी से पहले आप मेरे पास आ जाए, ओके, समझे ना, ताकि आप, क्योंकि बायोप्सी बाज़ुकात ऐसा होता है कि उससे पूरी बॉडी में कैंसर की जो है असरात वो फैल जाते हैं। अच्छा, अक्सर ऐसा देखने में आया कि ये हमाकत नहीं करनी चाहिए पेशेंट को। फिर ये कि ऑपरेशन से पहले बस केसेस में कहा जाता है कि गाल का कैंसर है, ये कहीं है कि फौरी ऑपरेट की जरूरत है, हम ये कहते हैं कि उसको ऑपरेशन ना करवाएं बल्कि हमें, हमारे पास रابطہ कर, इंडिकेशन क्या है और तिब्बे नबवी का जो है, ये देखो मुंह के अंदर दाना निकलना, मुंह के अंदर जो है वो सफेद सफेद जो है फंगस लग जाता है, मुंह खुलना बंद हो जाता है, दब चबाना मुश्किल हो जाता है, ये इंडिकेशन है कि आपको है, ओके। और फिर ये कि ये चीज़ें फौरी तौर पर, क्योंकि पान एक ही जगह रखा होता है, उसमें तंबाकू, उसके अंदर चूना वगैरह, और फिर ऐसी गुटके में तो खासतौर पर ऐसी खतरनाक केमिकल मिले होते हैं कि जो आपको कैंसर में मुबतला कर, अल्लाह माफ करे, तो बस। अच्छा ये बात ये कि अक्सर खवातीन का, तो मैंने कहा ना ब्रेस्ट कैंसर का प्रॉब्लम होता है, तो मर्दों में जो कैंसर होता है वो ज्यादातर जो है वो प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है, अल्लाह तो बस, प्रोस्टेट प्रॉब्लम होती है, पेशाब की नाली में प्रॉब्लम शुरू होती है, जिसकी वजह से अगर उसका फौरी तौर पर इलाज ना हो और बढ़ता चला जाता है और लोग उसको मामूली समझते हैं, तो उसमें प्रोस्टेट कैंसर का होता है मर्दों में खासतौर पर। अब बात यह है कि इसके इलाज के मामले में कुछ चीज़ें हैं, कुछ जड़ी बूटियां हैं, वो मैं नाज़रीन को बता देता हूँ, जी जी, ताकि ये है कि आपके नज़दीक इब्तदाई स्टेज में उसको कंट्रोल करना
आसान भी हो जाता है, और इन द लॉन्ग रन इलाज के साथ साथ जो है इन कहवाजात का इस्तेमाल कर लें तो वो आप कैंसर की जो है वो ख़तरे की घंटी जो बजरी होती है उसे किसी हद तक बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नाज़रीन, नोट कर लीजिए कि कैंसर के लिए आपको जिन चीज़ों को जिन उन अलामत को ख़त्म करने के लिए साफ ख़ास तौर पर आप नोट कीजिए, एलोवेरा घी कवार ठीक है ये लीजिए 10 ग्राम, कलौंजी 3 ग्राम, मोरिंगा जिसे सांजना कहते हैं ये 10 ग्राम, नीम के पत्ते 10 ग्राम, चरायता 3 ग्राम, और इनको आप बॉयल कीजिए, इसका कहवा बनाएं, सुबह निहार 1 कप यानी 3 से 4 गिलास में पानी डालिए, जब ये पानी 1 गिलास कम हो जाए यानी अगर 4 गिलास डालें तो 3 गिलास कम से कम पानी रहना चाहिए, सुबह निहार 1 कप पीजिए, दोपहर में खाली पेट पीजिए और शाम को पीजिए। इसमें बाद जिन लोगों को भूख नहीं लग रही वो पुदीना और सौंफ का इजाफा कर सकते हैं, अगर बॉडी में वर्म है तो इसी कहवे में आप मको और कासनी का इजाफा करते हैं। सही, तो ये आप आपकी भूख वगैरह बेहतर होना शुरू हो जाएगी, इससे निज़ाम हजम बेहतर होगा, और ये ऐसा लाजवाब कहवा है कि जो बहुत सारे मसाइल को हल कर देता है। बेहतरीन है, जबरदस्त। अच्छा, जोड़ों का दर्द है, आसाबी कमजोरी है, उनको भी रफा करेगा और आपके कैंसर को ख़त्म करेगा। नाज़रीन ब्रेक है। जी 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 नाज़रीन, हम लोगों ने असकरी साहब मेरे साथ ही हैं और कैंसर पे बात हो रही है और अभी और बहुत सारी नॉलेज है आज हम लोगों ने लेनी है रेलेवेंट टू कैंसर, यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।